मोदी जी सच्चे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, वो सबके सामने जनता के सामने आना चाहिए। जो दूध का दूध पानी का पानी होगा उसमें जो सच्चाई होगी जनता उसको स्वीकारेगी। जो इंग्लैंड अंग्रेज हैं डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं वो क्या बनाएंगे, जो खुद लाशों की ढेर लगा दिए पंजाब में जलियांवाला बाग में अंग्रेज, वो क्या डॉक्यूमेंट्री हमारे देश की बनाएंगे। ऐसी उन अंग्रेजों की ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी ना कि वो भी याद रखेंगे। क्यों बैन कर दिया भाई, तो मेरी दिक्कत क्या है, जब मोदी जी ने पिछले 8 सालों में अच्छा काम किया है तो उसको पर्दे के पीछे क्यों छुपा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री की छवि बिगड़ेगी ये, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना 24 में। 8 साल बनाम 60 साल जोड़ लीजिएगा, अगर मोदी जी कहीं से कटने लायक दिखते हैं ना। चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 सर के बदले 10 सर आएगा, क्या 10 सर आए? शिक्षा का गढ़ या विवादों का गढ़, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU यूनिवर्सिटी में उठे बवाल की। आखिर में हमेशा बवालों के घेरे में, विवादों के घेरे में क्यों आता है? हम बात कर रहे हैं इस समय जो डॉक्यूमेंट्री चल रही है प्रधानमंत्री मोदी पे, उस पर BBC डॉक्यूमेंट्री पे जो विवाद चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सागर गुप्ता। सागर जी ये बताइए, अभी हाल में JNU में कुछ विवाद हुआ, DU में भी विवाद हुआ, आखिर में जो चीज़ें भारत सरकार ने बैन कर दिया है BBC डॉक्यूमेंट्री को, उसको क्यों लेकर उसको स्क्रीनिंग करने के लिए छात्र परेशान? छात्र परेशान वो तो अलग का मुद्दा है, लेकिन हम चाहते हैं अगर मोदी जी सच्चे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, वो सबके सामने जनता के सामने आना चाहिए। जो दूध का दूध पानी का पानी होगा उसमें जो सच्चाई होगी जनता उसको स्वीकारेगी। अच्छा, में क्या दिक्कत है? भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया भाई, तो मेरी दिक्कत क्या है, जब मोदी जी ने पिछले 8 सालों में अच्छा काम किया है तो उसको पर्दे के पीछे क्यों छुपा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री की छवि बिगड़ेगी ये, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना 24 में। बाहर के देशों के वोटों से प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं बनते, हमारे अपने देश के वोटों से बनते हैं। बाहर के देशों में चूंकि BBC बाहर का वो है और उसकी डॉक्यूमेंट्री से और भी देशों में जो बना हुआ है भारत का वर्चस्व या जो भी है उसके, देखिए फर्जीवाड़े से बहुत ज्यादा दिन तक वो सब नहीं चल सकता है, जो सच्चाई है वो दिखेगी। 24 में क्या लग रहा है? 24 में तो 24 के समय ही पता लगेगा क्या लग रहा है, अभी तो जो हवा वो तो अलग चीज है भाई। हवा क्या है भाई? हवा तो भाई माननीय राहुल गांधी जी भी जो है भारत को जोड़ने के लिए आगे चले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सराहनीय कदम है, दिक्कत क्या है? हो जाएगा मामला सेट? क्यों नहीं हो जाएगा भाई, उन्होंने कहा कि हम जो है काला धन लाएंगे और हर अकाउंट में 14 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे। क्या आप पिछले 8 सालों में आपके खाते में आए 14 लाख रुपए? क्यों सर? बहुत सही इन्होंने बोला। पहली बात सुनिए, देखिए वोट देना एक अलग चीजें हैं, लेकिन मुद्दे उठाना एक अलग चीजें हैं। मैं सर की बातों का बात कर रहा हूँ। पहले तो सर जी को मोदी जी की वो रैली में जो बातें करी थी ना मोदी जी ने 15 लाख वाली, इन्होंने तो 14 की बात कर दी, शायद इन्होंने किसी के कहे पे कह दी है, ये भी नहीं इनको पता। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वोट देना एक अलग चीज है, हाँ। अपने मुद्दे उठाना अलग चीज है। मुद्दे उठाए आपने जो मुद्दा उठाया सर उसका मुद्दा ये बहुत सही उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। जो काम काजी बंदा है वो ठीक है, पिछले 8 सालों में सिलेंडर का दाम कहाँ तक चला गया? इनको मैं भाई साहब को कहूँगा 8 साल बनाम 60 साल जोड़ लीजिएगा, अगर मोदी जी कहीं से कटने लायक दिखते हैं ना तो आप बोलिएगा। और रह गई बात BBC डॉक्यूमेंट्री की, जो इंग्लैंड अंग्रेज हैं डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, वो तो वैसे ही हमारे देश में जलियांवाला बाग आपने सुना होगा सर, अगर नहीं कोई सुना होगा जाके देखा है अमृतसर में, वो क्या बनाएंगे, जो खुद लाशों की ढेर लगा दिए पंजाब में जलियांवाला बाग में अंग्रेज, वो क्या डॉक्यूमेंट्री हमारे देश की बनाएंगे। ऐसी उन अंग्रेजों की ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी ना कि वो भी याद रखेंगे, वो भी याद रखेंगे कि भारत से अब वो भारत नहीं है,